फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये तो आपने सुना ही होगा। और कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी बातें तो उसके बाद शुरू होती हैं। अब ऐसा एक कॉलेज है जिसने काफी अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्नाइजेशन हासिल किए हैं अपने बीते कुछ सालों में, पर पीछे रह गए सिर्फ अपने आउटडेटेड इंफ्रा की वजह से। पर सोचा जाए तो इंफ्रा ही इनके पीछे रहने का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे और भी कॉलेजेस हैं जिनका इंफ्रा इनसे भी खराब है। तो कहीं इनके पीछे रहने का कारण रिव्यूज में सही तो नहीं है कि ये अपनी फैकल्टी हर सेमेस्टर में चेंज करते हैं और सैलरी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। चलिए आज जानते हैं JKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का पूरा लेखा जोखा। पर शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं कॉलेज के कैंपस पर। हेलो गाइस, मैं हिमांशु कॉलेज 18 की तरफ से। आज हम लाए हैं JKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का रिव्यू, जिसमें हम जानेंगे कॉलेज के बैकग्राउंड्स, अप्रूवल्स, लोकेशन, कोर्सेज, फीस, इंप्रा, कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट्स के बारे में। JKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इनके फाउंडर चेयरमैन जी काथमुथु के द्वारा 1996 में, जिनके प्रिंसिपल डॉक्टर NS भुवनेश्वरी का एजुकेशन की फील्ड में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पर फिर भी ये कॉलेज कई मायनों में देखा जाए तो असफल रहा है। अब ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं इस कॉलेज के रिव्यूज, जिनकी बात करें तो कॉलेज में प्रॉपर फैसिलिटीज बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, जैसे लैब्स, एसेंशियल रिसोर्सेज, क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट और भी काफी कुछ। तो अब चलिए वीडियो में शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं JKMCET के अप्रूवल्स। कॉलेज के अप्रूवल्स की बात करें तो ये कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है और एफिलिएटेड है अन्ना यूनिवर्सिटी से, साथ ही कॉलेज को NAC और MBA से भी एग्रीगेशन मिला हुआ है। लोकेशन की बात करें तो कॉलेज JKM नगर नियर तम्बरम चेन्नई में लोकेटेड है और ये एरिया सिटी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और मेन हाईवे है, इसलिए यहाँ पहुंचने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कोर्सेज में कॉलेज ने अपने पूरा फोकस सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज पर ही रखा है, जिसमें UG कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल्स, बायोमेडिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल और भी कई क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं। वहीं PG कोर्सेज में भी लगभग सेम ही फील्ड्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप PhD करना चाहते हैं साइंस फील्ड में तो आपको बता दूं कि कॉलेज PhD भी कराता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग एंड साइंस फील्ड में है, आपकी पसंद का कोर्स जरूर मिल जाएगा। अब चलिए आगे जानते हैं आखिर आपको कितना खर्चा करना होगा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो कॉलेज में आपको हर साल लगभग 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा करना होगा, अकॉर्डिंग टू जिस भी कोर्स में आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो। कोर्सेज सिलेक्शन का जरूर ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके करियर एनहेंसमेंट में। कोर्सेज वही चूज करें जो आपकी स्ट्रेंथ और आपके इंटरेस्ट से मैच हो। कोर्सेज सिलेक्शन और स्कॉलरशिप के लिए जो ये कॉलेज काफी अच्छे स्तर पर प्रोवाइड करता है, इनके लिए आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इंफ्रा की बात करें तो कैंपस लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। लश ग्रीन और डिसेंट कैंपस होने के साथ ही इसमें सभी एसेंशियल फैसिलिटीज जैसे कंप्यूटर लैब्स, क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा। इस कॉलेज की अगर दूसरी फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनेट लैब, कम्युनिकेशन लैब, ऑडियो विजुअल लैब और कॉन्फ्रेंस हॉल ग्रुप डिस्कशन के लिए भी अवेलेबल है।
अगर आप किसी दूसरे स्टेट से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिल जाएंगे जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट है, और सभी फैसिलिटीज जैसे मैस, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी, बैकअप ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी भी वेल स्टॉक्ड है जिसमें बुक्स, जर्नल, ई जर्नल्स, ई बुक्स मिल जाएंगे आपको। बस स्पोर्ट्स के लिहाज से कुछ कमी आपको यहाँ महसूस हो सकती है, पर आप कुछ आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स जैसे चेस, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस को बखूबी इंजॉय कर सकते हैं। तो इंफ्रा की ओवरऑल रेटिंग देखी जाए तो ठीक ठाक है। कैंपस लाइफ की बात करें तो कॉलेज में काफी तरह के टूर्नामेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे अभी लास्ट इवेंट इनका हुआ था खो खो टूर्नामेंट, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए कई तरह की वर्कशॉप भी यहाँ कंडक्ट होती रहती है। तो कैंपस लाइफ देखी जाए तो उतनी हैपनिंग नहीं है, कुछ एक्टिविटीज और ऐड करके इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज प्लेसमेंट की। अब प्लेसमेंट की बात करें तो GKMECT के हाईएस्ट पैकेज 5 लाख है और क्लेम्स की माने तो एवरेज पैकेज 3 लाख है। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने जाना GKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। कॉलेज लाइफ अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत वाइजली डिसीजन लेना जरूरी है। इसमें बस कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे लोकेशन एंड बजट, एंड कोर्स आपकी स्ट्रेंथ से मैच हो। इन सवालों के जवाब के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा और कौन सा नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ एक डीप एनालाइज कर पाएंगे जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आपका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर है। और ही ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आगे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।